नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। इस वक्त हम डूंगरपुर ज़िले के सागवाड़ा नगर पालिका अंतर्गत सागवाड़ा का एक ऐसा चौराया जो सागवाड़ा पूरे शहर की रौनक दिखाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये गोल चौराहे पर हम खड़े हैं और डूंगरपुर और बांसवाड़ा का ये मुख्य मार्ग है। यहाँ से सीधे हम सिटी की तरफ जाते हैं और ये गोरेश्वर महादेव मंदिर और बड़ा छोटा इस तरफ गलियाकोट की तरफ ये मार्ग निकलता है, उस चौराहे पर खड़े हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लापरवाही किसकी है, किसकी गलती की वजह से यहाँ पर पानी भरा हुआ है। बारिश अभी फ़िलहाल नहीं आई थी और कल परसों में दो दिन में यहाँ पर बारिश आई है और हल्की फुल्की बारिश में यहाँ पर पानी जमा हो गया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो पानी भरा है और जो गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं, इस वक्त राखी का त्यौहार है और राखी के त्यौहार में यहाँ पर लोगों की आवाजाही बढ़ गई है और ट्रैफिक बढ़ गया है। और जैसा कि आप इधर भी देख सकते हैं, यहाँ पर पानी भरा हुआ है और पूरा पानी भरे होने की वजह से जो वाहन उधर से आ रहे हैं, वो वाहन यहाँ पर लोग आप देख सकते हैं जो पैदल पैदल आ रहे हैं, वो पानी से इस साइड में आने की कोशिश करते हुए आ रहे हैं, कीचड़ से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ है। लेकिन इस संबंध में संबंधित प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ये किस वजह से हुई है गलती और किसकी गलती है, इस संबंध में प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है और शीघ्र ही इस व्यवस्था को सुधारने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर जैसा कि नज़र आ रहा है, सागवाड़ा शहर स्वच्छता की ओर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई बाहर से आकर देखता है तो हमारी स्वच्छता कितनी यहाँ पर स्पष्ट नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पर इतना कीचड़ और गंदगी भरा पानी जमा होने की वजह से आए दिन यहाँ पर बाइक सवार, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो बाइकें आती हैं अक्सर स्लिप होकर गिर जाती हैं और जो पैदल पैदल यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं और ये इस पानी से बचते हुए जाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ नज़र आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ बड़े बड़े वाहन भी आते हुए नज़र आ रहे हैं और इस वजह से यहाँ पर जो है पानी का पूरा रिसाव इस पूरे रोड पर, इस पूरी सड़क पर आ रहा है और पूरी सड़क गंदी होती नज़र आ रही है। इस संबंध में यहाँ के स्थानीय जो निवासी हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये जो इस तरह का यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में जो अव्यवस्था का आलम पैदा हुआ है, किस वजह से हुआ है, इसका निराकरण किस तरह से हो सकता है, ये हम बात करते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से। जी सर, आपका शुभ नाम? हार्दिक पंचोरी। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, यहीं मेरी शॉप है सर्कल पे। तो ये जो गंदगी भरा आलम यहाँ पर नज़र आ रहा है, पानी भरा हुआ है, कीचड़ बना हुआ है और लोग यहाँ पर कीचड़ से गुजर रहे हैं, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, यहाँ पे क्या बारिश का पानी हमेशा ठहर जाता है, वो यहाँ कीचड़ हो जाता है, तो आए दिन लोग यहाँ फिसल जाते हैं और दुकानदारों को भी काफ़ी परेशानी है और रोडवेज डिपो भी यहाँ पर खड़ी रहती गाड़ी आकर के, तो लोग दौड़ने के चक्कर में यहाँ फिसल के गिर जाते हैं। सभी व्यापारी को भी परेशानी है, ग्राहकों को भी और आम जनता को भी आप परेशानी है। ये समस्या किस वजह से हुई है आप बता सकते हैं? सर, ये आगे नालियाँ ब्लॉकेज आ रही है और यहाँ जो ब्लॉक लगाए हैं वो भी थोड़ा नीचे दब गए, इस हिसाब से ये प्रॉब्लम आ रही है। ब्लॉक दबे होने की वजह से यहाँ पर पानी भरा हुआ? हाँ जी, हाँ जी सर। सर, आपका सुना? मनोहर लाल पटेल। मनोहर लाल जी, जैसा कि यहाँ पर ये पानी भरा हुआ है, कीचड़ जमा हुआ है और लोगों को अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है, किस वजह से हुआ कुछ बता? नगर पालिका की अनदेखी के खातिर। ये क्या क्या वजह है जो हम देखिए आप बता रहे हैं, किस वजह से? इस वजह से कि जो बना उस समय इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया? कब बना था ये? ये बना दो साल हो गए। दो साल हो गए, तो अभी हाल फिलहाल में इसको किस तरह से सुधारा जा सकता है, कुछ बता पाएंगे? बिल्कुल सुधारा जाएगा, नगर पालिका इसको वापस शुरू वो काम करवा सकती है, इसको थोड़ा सा वापस बना के ऊपर उठाए तो ये समस्या का समाधान हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये दो साल पहले बनाया बता रहे हैं, तो उस समय कौन से ठेकेदार थे कुछ पता है आपको? ना, वो पता नहीं। नहीं पता है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पानी भरा हुआ है, इस संबंध में लोगों ने भी जो बताया है, हालांकि लोग बताते हैं नगर पालिका की लापरवाही की वजह से हुआ है, लेकिन ये मामला जो है नगर पालिका की लापरवाही का हमें नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिस ठेकेदार ने ये काम किया है उस ठेकेदार की लापरवाही नज़र आ रही है। क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं, ये जो ब्लॉक थे इस सड़क के लेवल में इन्होंने नहीं रख के यहाँ पर दबते हुए रख दिए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी का जो है भराव हो रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में ये दो साल पहले बनी हुई सड़क है और दो साल पहले का मामला है, फिलहाल वर्तमान नगर पालिका इसको शीघ्र संज्ञान में लेकर इन ब्लॉकों को अगर खुलवा के थोड़ा सा ऊपर उठा ले तो ये पानी की जो समस्या है, आए दिन यहाँ पर सड़क पर पानी भरा रहता है, ये पानी निकासी हो जाएगी और सागवाड़ा स्वच्छता की ओर एक कदम बढ़ाते हुए जिस तरह से बढ़ रहा है उसमें बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि ये सागवाड़ा शहर का एक तरह से नाक है,
सागवाड़ा लाइव न्यूज ब्यूरो से कैमरामैन कबीर अमलाव के साथ मैं जितेंद्र सिंह चौहान, धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।